अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू एजुकेशन हब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू ऑफ बायो 101 फॉर मिड टर्म प्रिपरेशन। इस वीडियो में हमारे पास 40 प्लस एमसीक्यूज हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमन इज़ नोन एज। अगर हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे, सेल बायोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, दीज ऑल आर द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। एक पेपर में देख रही थी जिसमें क्वेश्चन था इनलिस्ट एनी 10 और 15 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। इन ब्रांचेज को आप देख लेते हैं सो दैट यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग विच ब्रांच इज़ कंसर्न विद विच स्टडी। अगर हम बॉटनी को देखें दैट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट। जूलॉजी एज द नेम इंडिकेट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। Immunology is the study of immune system of animals. Microbiology is concerned with the study of microorganisms. Microorganisms में हमारे पास आ जाते हैं bacteria, viruses, fungi, etc. अगर हम इसकी further detail में चले जाएँ, क्योंकि हमने ज़्यादा सी branches बनानी है ना biology की, तो study of bacteria is known as bacteriology. Study of viruses is known as virology. And the study of fungi is known as mycology. सेल बायोलॉजी नाम से ही हमें पता चल रहा है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमन। पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? दीज आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमन, तो हमारे पास इसका राइट आंसर है एंटोमोलॉजी, दैट इज़ ऑप्शन सेम। क्वेश्चन टू है हमारे पास हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। प्लांट्स कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम सन एंड यूज़ फिल इन द ब्लैंक इन वाटर टू प्रोड्यूस शुगर। ये तो हम आई थिंक 4th-5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट्स कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 4। इन मियोसिस 1 सेल डिवाइड्स इनटू फिल इन द ब्लैंक डॉटर सेल। मियोसिस 1 में सेल डिवाइड हो जाता है इनटू 4 डॉटर सेल्स में। क्वेश्चन 5 है मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक फेजेस। मियोसिस 1 में हमारे पास 4 स्टेजेस आती हैं और ये 4 स्टेजेस हमारे पास हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। सिमिलरली अगर हम मियोसिस 2 की बात करें तो उसमें भी यही स्टेजेस हैं। डिफरेंस जस्ट ये है कि इसमें हमारे पास आ जाएगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। माइटोसिस इज़ द सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन फिल इन द ब्लैंक सेल। माइटोसिस में हमारे पास 2 डॉटर सेल्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल्स के अंदर हमारे पास सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट लेयर, और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन हमारे पास है आउटर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। एन इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज जीनोटाइप, फिनोटाइप, ट्रेट्स, नन ऑफ अबव। इन तीनों की जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड ट्रेट्स की हम वन लाइन डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। उसमें सब्जेक्टिव पार्ट में हमसे पूछ सकते हैं डेफिनेशन ऑफ दिस। हम देख लेते हैं जीनोटाइप नाम से ही हमें पता चल रहा है कलेक्शन ऑफ जीन। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। फिनोटाइप इज़ कंसर्न विद द ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें हाइट, वेट वगैरह हमारा फिनोटाइप के अंदर आता है। ट्रेट्स की हम बात करें तो ट्रेट्स आर द स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसमें ऑनेस्ट, ब्रेव एट्सेट्रा फिजिकल ट्रेट्स होंगे ना, सॉरी जो स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं किसी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक हैं एक इंडिविजुअल की, दैट आर इंक्लूडेड इन द ट्रेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 9। इन प्लांट्स एनर्जी फैक्ट्रीज आर कॉल्ड। एनर्जी फैक्ट्रीज प्लांट्स के अंदर होती हैं क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन 10 है कम्प्लीट सीक्वेंस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग द ह्यूमन जीनोम वाज रिवील्ड इन द ईयर 2003 में हमने इसको फर्स्ट टाइम स्टडी किया था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। प्रोटीन मेकिंग मशीन ऑफ अ सेल इज़ नोन एज। प्रोटीन मेकिंग मशीन ऑफ द सेल हम किसको कहते हैं? राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन मेकिंग मशीन हम कहते हैं राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स आर बेसिकली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। ऑर्गेनाइजिंग सिमिलर स्पीशीज इनटू लार्जर ग्रुप इज कॉल्ड एज। जब हम सिमिलर स्पीशीज को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं इनटू लार्जर ग्रुप में तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। फिल इन द ब्लैंक इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। राइबोसोम्स को हमने पढ़ लिया पहले, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री ऑफ द सेल। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। फिल इन द ब्लैंक इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
सेल, टिश्यूज, ऑर्गन और पॉपुलेशन. सेल इज़ कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ऑप्शन ए इज़ द राइट वन. वैसे हम इन सबको बारी बारी देख लेते हैं. सेल हमारे पास बेसिक यूनिट है लाइफ का. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लिव ऑन इट्स ओन एंड मेक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द टिश्यूज ऑफ द बॉडी. सेल के हमारे पास तीन मेन पार्ट्स होते हैं. ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है. इनलिस्ट थ्री मेन पार्ट ऑफ द सेल, द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. अगर हम टिश्यूज़ को देखें, जब सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन होंगे, दे विल गिव राइज टू टिश्यूज. फॉर एग्जाम्पल, एपिथेलियल टिश्यूज़ दैट मेक्स द स्किन. ऑर्गन्स में हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ एक साथ काम कर रहे होते हैं और टिश्यूज़ ग्रुप एंड वर्क टुगेदर टू मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टमक की बात करें, स्टमक एक ऑर्गन है और इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, जिनका कंबाइंड पर्पज़ क्या है कि उन्होंने फूड की डाइजेशन करनी है. पॉपुलेशन हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन स्पीशीज जो एक ही जगह पे एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ स्पेसिफिक लोकेशन रह रहे होते हैं. दिस इज़ नोन एज द पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल, ह्यूमन पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक एरिया और डियर्स पॉपुलेशन इन अ फॉरेस्ट. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15. ईच डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज स्पीशीज. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 16. द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट्स इज नोन एज, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी. क्वेश्चन 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ पी प्लांट वाज नॉट यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट. हमने पढ़ लिया है, मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. इन्होंने पी प्लांट को स्टडी किया था और इसमें उन्होंने सीड शेप को देखा था, सीड कलर को देखा था, फ्लावर पोजीशन को देखा था, बट पोर्ड लेंथ को उन्होंने इसमें स्टडी नहीं किया था. दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन हिज स्टडी. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन हम देख लेते हैं, ये है क्या चीज़. साइटोस्केलेटन हमारे पास इन डीएनए, आरएनए, बोथ ए एंड बी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इसका हमारे पास राइट आंसर डीएनए है. अगर हम डीएनए की अब्रीवेशन देखें, दैट स्टैंड फॉर द डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसमें जो शुगर होती है वो डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है. आरएनए में तो शुगर राइबोज है ना, और डीएनए में डी ऑक्सी राइबोज है. क्वेश्चन 21, द शुगर इन आरएनए इज कॉल्ड एज राइबोज. क्वेश्चन 22 है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में हमारे पास एक बेस होती है, इसमें एक शुगर होती है और हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है इसके अंदर. अ बेस, अ शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप. ऑप्शन इज द राइट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ कंपोजिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए. ओके, कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं. पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग है, साउथर्न ब्लॉटिंग, नन ऑफ दीज. ये जो आपके पास तीन है ना, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग एंड साउथर्न ब्लॉटिंग, आपने इन तीनों का एक एक काम याद रख लेना है कि ये कौन सी टेक्निक किस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है. वेस्टर्न ब्लॉटिंग को हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल. ठीक है, अगर हम नॉर्थर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो जब हमने इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए. नॉर्थर्न ब्लॉटिंग इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए. साउथर्न ब्लॉटिंग इज़ यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ कंपोजिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए. जब हमने डीएनए की डिफरेंट कंपोजिशनल प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो हम साउथर्न ब्लॉटिंग को यूज़ करेंगे. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि आप कंपोजिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए के लिए किस कौन सा टेक्निक हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है, दैट इज़ साउथर्न ब्लॉटिंग. डीएनए इज़ फिल इन द ब्लैंक इन नेचर. डीएनए इज़ एसिडिक इन नेचर. आरएनए भी एसिडिक इन नेचर होता है. वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज़ यूज टू सेपरेट, हमने पहले भी इसको देख लिया है. वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज़ यूज टू सेपरेट प्रोटीन्स. क्वेश्चन 26 है हमारे पास, एल्जे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन आर पैरासाइट, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, डीकम्पोजर्स. अगर हम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अपनी न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं, तो एल्जे हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं. हम ये चारों टर्म्स को देख लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या हैं. पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड गेट इट्स फूड फ्रॉम इट. फॉर एग्जाम्पल, लाइस, वायरसेज, टेपवर्म एटसेट्रा. पैरासाइट वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन उस होस्ट से ले रहे होते हैं. ऑटोट्रॉफ्स आर इंडिपेंडेंट, ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लांट्स को देखें तो ये ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं क्योंकि वो अपने फूड खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं. हेटरोट्रॉफ्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्सेज फॉर गेटिंग देयर न्यूट्रिशन.
क्योंकि ये अपनी फूड ख़ुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, दूसरों पे रिलाई कर रहे होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो ये हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स में आता है। डीकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को और उनसे अपनी न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें प्रोटोजोआ और अर्थवॉर्म्स आपके पास आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। फिल इन द ब्लैंक इज़ एन इनहेरिटेड कंडीशन प्रेजेंट एट बर्थ कैरेक्टराइज्ड बाय अ लैक ऑफ पिगमेंट दैट नॉर्मली गिव्स कलर टू द स्किन हेयर एंड आइज। ये हमारे पास आता है जी एल्बिनो ट्रेट्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनहेरिटेड कंडीशन है जो जिसमें आपका एक पिगमेंट नहीं होता है जो बेसिकली कलर दे रहा होता है आपके स्किन को, कलर्स हेयर्स को और आइज को। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस ओनली बाय। कोलेस्ट्रॉल जस्ट एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 29 है द इफेक्ट ऑफ टू केमिकल्स टेकन टुगेदर। जब हम दो केमिकल्स के कम्बाइंड इफेक्ट को लेते हैं दैट इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ देयर सेपरेट इफेक्ट। और ये जो टर्म है ना, इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। क्वेश्चन 30 है फिजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमने पहले पढ़ लिया है जीनोटाइप, तो हमारी कलेक्शन ऑफ जीन्स है। ट्रेट कोई भी स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक हैं एक इंडिविजुअल के। और फिनोटाइप हमारे आते हैं फिजिकल फीचर्स, फॉर एग्जांपल हाइट, वेट एट्सेट्रा। और एल्बिनो ट्रेट्स को भी हमने इससे पहले देख लिया है क्या होते हैं। क्वेश्चन 31 है DNA एंड RNA आर नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। DNA और RNA पे नेगेटिव चार्ज होता है एंड दैट नेगेटिव चार्ज इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन किडनी, लिवर, लंग, स्किन। बाइल की प्रोडक्शन हो रही है हमारे लिवर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 33 है द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ हेरिडिटी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ओके, इन सब टर्म्स को भी हम देख लेते हैं। जीन हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है दैट इज़ पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। जेनेटिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। जीनोटाइप रेफर्स टू द इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ जीन्स। एंड फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी फंक्शन एंड प्रोसेसेस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजेंस इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, एट्यूनेशन, नन ऑफ दीज। ओके, इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं और इसके वैक्सीनेशन के रिजल्ट के तौर पे हमें इम्यूनिटी मिलती है। वी गेट इम्यून अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज। क्वेश्चन 35 एनी चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए जीन इज कॉल्ड। अगर डीएनए जीन सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द म्यूटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ कम्प्लेक्स प्रोटीन मिक्सर। इसको भी हम पहले देख चुके हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम इसमें यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोटेक्ट आर बॉडी अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। डिफरेंट सिस्टम्स हमारे पास दिए हुए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ फूड। रिस्पायरेटरी सिस्टम इज कंसर्न विद द रिस्पायरेशन, जिसमें हमारे लंग्स आ जाते हैं, ट्रेकिया आ जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसर्न विद द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। एंड इम्यून सिस्टम इज कंसर्न विद द विद इम्यूनिटी। ओके, जो हमें बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रोब्स से। अ कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास डीएनए है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। तीनों चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट्स में आती हैं। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल शुगर और मोनोसेकेराइड। ग्लैक्टोज हमारे पास सिंपल शुगर है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्वेश्चन 40 नॉर्थर्न ब्लॉटिंग इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। क्वेश्चन 41 द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। हमें पता है बायो मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। इसके आप 4-5 पॉइंट्स याद रख लें। अगर सब्जेक्टिव में आता है माइटोसिस के बारे में लिखने के लिए आ जाता है या मियोसिस के बारे में, और अगर कंपैरिजन आ जाता है तो आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए इनके कंपैरिजन के लिए। जो दोनों में फर्स्ट डिफरेंस है ना, वो ये है कि माइटोसिस अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, जबकि मियोसिस हमारे जर्म सेल्स के अंदर हो रही होती है। जर्म सेल्स मीन द सेल्स विच आर कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोसिस में सेल डिवाइड हो जाता है इनटू टू डॉटर सेल में, जबकि मियोसिस में सेल डिवाइड होता है इनटू फोर डॉटर सेल में। माइटोसिस मेल्स और फीमेल में सेम है, जबकि मियोसिस इज़ डिफरेंट इन मेल एज़ कम्पेयर टू फीमेल।
माइटोसिस में अगर हम क्रोमोसोम नंबर को देखें, क्रोमोसोम नंबर रिमेन इक्वल इन डॉटर सेल, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है डॉटर सेल के अंदर। माइटोसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन जस्ट एक दफ़ा होती है और मियोसिस में न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस। ये पांच डिफरेंस दिए हुए हैं, ये आपने देख लेने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं। और फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स आपको पता होने चाहिए, हार्मोन्स के क्या फंक्शंस हैं। हार्मोन्स हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड आइटम्स में हार्मोन्स रोल प्ले कर रहे हैं। कॉग्निटिव फंक्शन है, हमारे डिफरेंट जो मूड्स होते हैं दैट आर बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इन द बॉडी, इम्यून सिस्टम में हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। चार पांच पॉइंट्स आप देख लें, आपको याद हो जाएं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, तो इसमें आपने लिखना है माइटोसिस हमारे लिए डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। वुंड हीलिंग में माइटोसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर कहीं पे भी वुंड हील हो जाता है तो उसकी हीलिंग बिकॉज ऑफ माइटोसिस इज पॉसिबल है। रीजनरेशन में माइटोसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो इसके नाम के अंदर से ही हमें इसकी थोड़ी बहुत डिटेल मिल जाएगी। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर द कंपाउंड्स विच हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट। ऑन द अदर हैंड अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स को देखें तो इनका हमारे पास दे हैव लोअर मॉलिक्यूलर वेट। मैक्रो मॉलिक्यूल्स यूजली लार्ज इन साइज होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल आर स्मॉल इन साइज। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो उनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स में हमारे पास प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं। और अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास ग्लूकोज है, वाटर है, ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट बायो 101 मिड टर्म प्रिपरेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और आपको जिस वीडियो की मिड टर्म से फाइनल टर्म से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आई विल मेड इट फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।